Hey guys, welcome back to my channel. Once again, we are ready for new adventure place. तो बने रहिए ब्लॉग में और चलते हैं आपको साथ में लेके फिर नई जगह, नया प्लेस और बहुत मजा आने वाला है. झरना होगा, वाटरफॉल होगा, नाइस प्लेस है. तो चलिए लेके चलते हैं आपको साथ में. और लाइक, शेयर, कमेंट एंड तक देखना, सब्सक्राइब कर देना जिसने भी नहीं किए नए, और जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो. चलो. सो फ्रेंड्स, निकल चले हैं हम पिकनिक के लिए. मौसम बिल्कुल साफ है, धूप हो रही है बाहर, शायद बारिश चालू हो जाएगी तो पिकनिक में मजा आ जाएगा. वंस अगेन हमारे साथ आपके चहेता मिस्टर कॉमेडियन विनोद तलरेजा चल रहा है. इस बार ब्लॉग में वो ज्यादा आने वाला है क्योंकि हर बार बोलता है वो कि मेरे को भी ब्लॉग में डाला कर. तो इस बार उसको भी लेंगे ब्लॉग में, काफी मजा आएगा. पानी में उसके साथ प्रैंक भी करेंगे, उसको खूब मजे करेंगे. क्यों? सो आ गए हैं हम. वो पैकिंग वैकिंग करके तैयार बैठा हुआ है और आ रहा है बाहर. आज मिलिट्री मैन बन के आया है. दोनों भाइयों ने सेम मिलिट्री मिलिट्री बिकॉज ऑफ 15 अगस्त. सो आर यू एक्साइटेड और रेडी? एक्साइटेड. सो लेट्स गो. तो गाइस अभी हम रुके हैं दिल पंजाबी ढाबा पे कुछ पार्सल कराने के लिए. स्टार्टर्स, मेन कोर्स हमने हरी सीजनेबल ढाबा से पैक करा दिया है. इट्स दाल बाटी, ट्रेडिशनल टाइप से बनी हुई दाल बाटी है जो बहुत ही मस्त है. ये भी हम लेके चल रहे हैं एज अ मेन कोर्स इन लंच. ये पिकअप करते हैं और चलते हैं. ये गाइस दूर से सज्जनगढ़ दिखते हुए, बहुत जल्दी इसका भी एक ब्लॉग आएगा. बहुत ही मस्त जगह है. यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है उदयपुर में, वो वहाँ जरूर जरूर जाता है. वहाँ से पूरा उदयपुर का व्यू एकदम अनोखा नजर आता है. हम भी चलेंगे एक दिन, आपको उसका भी ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है. हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से पुल आया है. पुल से हम चल रहे हैं और अभी ये पुल आएगा. इसको क्रॉस करने के बाद बासा केलेश्वर महादेव, केलेश्वर महादेव गटियाड़ी. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. ऊपरू जानो है गटियाड़ी? अच्छा, झरनो गटियाड़ी है वो जगह. अच्छा हामू, ठीक है ठीक है, धन्यवाद बासा. पिंटू इतना खुश हो रहा है, सब इस साइड से ही आ रहे हैं, मतलब झरना इस साइड ही है. ये पूछ तो पिंटू इससे, ये सामने आ रही है ना. You serious? इस पे बम फोड़ूंगा. सो गाइस यहाँ से ब्रिज क्रॉस करके राइट, और अब हम आ चुके हैं केलेश्वर महादेव. हर हर महादेव. एरो इधर का है, इस साइड ही जाना है. अपनी अर्टिगा चाहिए? ऑफ रोडिंग पे हम आ गए अर्टिगा लेके. आज चेक कर लेंगे अर्टिगा. अच्छे अच्छे रोड पे अर्टिगा ने हमारा साथ दिया है. आज भी ऑफ रोडिंग करते हुए हम पहुंच चुके हैं केलेश्वर महादेव. चलते हैं और दिखाते हैं आपको. धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं. गांव के बच्चे इधर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं दिख रहा एकदम से, रोड पूरा खाई दिख रही है. ये देखो तू, ठीक कैसा इंसान है. वो क्या व्यू है, गाड़ी देखो. ये गाड़ी हम लेके आए हैं. एक तालाब आया है. पिंटू बोल तो यहाँ पे नहला दे तुझे. हैं? क्या व्यू है यार, ऑसम. बस बारिश की कमी है, प्लीज भगवान बारिश कर दे. अच्छा ये गांव के छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी चड्डी पहन के अपना मनोरंजन करते हुए. What? Bro, what are you talking about, man? भाई साहब आ रहे हैं धूम मचाते हुए बाइक लेते. झरनो गटियाड़ी है.
आगे। कतरा चाहिए? कतरा चाहिए? दस रुपए चाहिए, अभी तो तूने 20 बोले। गाइस काफी ज्यादा ऑफ रोडिंग है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी बज रही है 4:16। सो गाइस गाड़ी कर दी है पार्क, टर्न मार के अब हम जा रहे हैं पैदल, क्योंकि बहुत दूर तक लाइन लगी हुई है। और गाड़ी साइड में कांच देख के ना ऋषि, उस साइड से बंद है, एकदम ग्रीनरी, पूरा माउंटेन ही माउंटेन। आपको याद होगा लास्ट ब्लॉग मेरा देखना, जब हम केलेश्वर महादेव के लिए निकले थे और रायता गांव में हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और वहीं पे मुझे ड्रॉप अप करना पड़ा था। इस बार महादेव के दर्शन करने को मिलेंगे। झरना बहुत दूर से दिखता है, ये देखो बहता हुआ झरना, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, पास में से दिखाता हूँ। सब टू व्हीलर्स पे जाते हुए आगे की तरफ, फोर व्हीलर पार्क कर दिए सबने साइड साइड में। सो गाइस जो भी नए हैं ब्लॉग में सब्सक्राइब कर लो, अभी ऐसा व्यू दिखाने वाला हूँ कि आप बोलोगे कि क्या जन्नत दिखा दी। तो बने रहिए ब्लॉग में और फट से सब्सक्राइब कर दो। सबने एक एक बैग उठा लिया है और हम चल रहे हैं झरने की तरफ, देखते हैं कितना मज़ा आता है, आपको भी दिखाते हैं। सो बने रहिए ब्लॉग में एंड तक और देखिए इस प्लेस की ब्यूटीनेस को, चारों तरफ ग्रीनरी है। बिकॉज ऑफ रेनी डेज बहुत सारी पब्लिक आई हुई है, चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है। गाइस मंदिर से पहले ये छोटा सा झरना है जो ओवरफ्लो हो रहा है, काफी पब्लिक यहाँ पे बैठी हुई है, तो हम भी एक बार यहाँ पे चलते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे महादेव के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। पिंटू भैया वंस मोर पिंटू भैया, एक बार दिल पंजाबी की दो डिशेज हैं। तो गाइस सबको लगी है बहुत तेज भूख, क्योंकि टाइम हो गया ओवर लंच का, तो पहले करते हैं पेट पूजा, फिर झरने में नहाएंगे, फिर महादेव के दर्शन करेंगे, क्योंकि झूठे मुंह महादेव के दर्शन किए नहीं जाते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही डायनेमिक पार्ट होगा। सो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और नोटिफिकेशन बेल को रिंग कर दीजिए ताकि आप सेकंड पार्ट देख पाएं।